अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बच्चों? क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं सब? ग्रेट। अच्छा जी, सो इट्स बीन लाइक 2-3 डेज वी हैवंट मेट। इन द मीन टाइम आप लोगों ने 6 चैप्टर का टेस्ट जमा करा दिया और हम लोगों ने गोल सेटिंग थ्योरी को डिस्कस कर लिया था, लर्निंग ओरिएंटेशन, प्रूफ ओरिएंटेशन, ये कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं गोल सेटिंग थ्योरी के, ये डिस्कस किए थे हमने। आई टोल्ड यू कि गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, हाउ डू गोल्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड सेल्फ मोटिवेशन। गोल सेटिंग में 3 चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन नवीद, आई एम गुड। तो गोल सेटिंग प्रोसेस में 3 चीज़ें हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि हाउ डू गोल्स मोटिवेट, गोल्स कैसे मोटिवेट करते हैं, हाउ डू गोल्स कंट्रीब्यूट टू सेल्फ मोटिवेशन, ये पहली चीज़ है। दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गोल सेटिंग प्रोसेस, इफेक्टिव गोल सेटिंग प्रोसेस क्या होता है, हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स, दिस वन, ये भी डिस्कस किया था हमने। और तीसरी चीज़ है प्रॉब्लम्स विद गोल सेटिंग, ये भी डिस्कस किया था हमने। तो हमने गोल सेटिंग थ्योरी को डिस्कस किया था लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है तो उसके लिए गोल सेटिंग प्रोसेस आपका इफेक्टिव होना चाहिए। इफ़ योर गोल सेटिंग प्रोसेस इज नॉट इफेक्टिव इनफ, एम्प्लॉइज विल नेवर बी मोटिवेटेड। आज हम पढ़ेंगे MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और हम पढ़ेंगे सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। MBO जो है ये पीटर ड्रकर की बड़ी मशहूर थ्योरी है। इट्स वेरी मच रिनाउंड थ्योरी बाय पीटर ड्रकर की ये थ्योरी आज भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ी वैलिड है। इदारे इस थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए। 1950s में ड्रकर ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे उसने का नाम दिया MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पीटर ड्रकर ने कहा कि लोग हमेशा गोल से तब मोटिवेट होंगे जब आप उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनकी रजामंदी से सेट करेंगे। When you will set the objectives of the people with their consent, and this was the foundation of participative management. वो जो मैकग्रेगर ने कॉन्सेप्ट दिया था ना पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का, वो यही उसकी बुनियाद बनी थी। In the first chapter we discussed. इसमें दो चीजें और दोनों पेपर में आ चुकी हैं। पहले थ्योरी का प्रोसेस है, 6 स्टेप्स हैं थ्योरी के। MBO is a 6-step process. हम पहले 6 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर इसके बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स हैं। MBO के बेनिफिट्स क्या होते हैं और MBO के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। सो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट इट। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द MBO प्रोसेस। MBO का 6 स्टेप्स का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और 6 नंबर का सवाल पेपर में आ चुका है। अगेन, जब भी आप स्टेप्स को डिस्कस करें, रिमेंबर प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो सीक्वेंशियल होते हैं। जैसे हमने वैल्यू चेन मॉडल में 5 प्राइमरी वैल्यू चेन के स्टेप्स देखे थे, इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड। जब भी स्टेप्स की बात आती है तो वो सीक्वेंस में होते हैं। जी नवीद, वो लेकिन अभी नहीं करूँगा मैं, वो एक हम प्रैक्टिस करते होते हैं। ज़रूर मैं आपको बताऊँगा इस अटेम्प्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वो आफ्टर द कोर्स कवरेज, द कोर्स कम्प्लीशन, ठीक। वंस वी विल बी कम्प्लीटिंग द होल सब्जेक्ट, 31 जनवरी हमारी डेडलाइन है, तो 1 फरवरी को इंशाल्लाह एक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी बेस पे फिर आप, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो फिर आपकी जो तैयारी है ना वो बड़ी बायस्ड हो जाएगी, विच आई डोंट वांट, ओके। तो उसके पीछे भी एक रीज़न होता है ना बताने के पीछे भी, कि वो अगर अभी बता दिया तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है दैट विल बी बायस्ड। तो अभी आप लोग बस ये रिमेनिंग टॉपिक साथ साथ कवर करें, इंशाल्लाह देन आई विल बी गिविंग यू अ लिस्ट एंड दैट लिस्ट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन, ओके। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड बी डिफाइंड हाईली प्रिसाइजली। इसके अंदर जो प्रिसीजन है बड़ी हाई होनी चाहिए, एंड दैट दैट मस्ट बी अलाइंड विद द मिशन एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इदारे का जो विजन मिशन होता है उसके साथ अलाइनमेंट में होने चाहिए। तो पहला जो स्टेप है MBO का वो उसी हायरार्की ऑफ गोल सेटिंग को डिस्कस करता है, जिसमें सबसे ऊपर आपका मिशन होता है, फिर आपका आपकी गोल्स होते हैं, फिर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर उसके अंदर आपकी आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास
ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे शुड बी अलाइंड विद योर मिशन एंड विजन, नंबर वन. नंबर टू, देन दूसरा जो प्रोसेस है इसका वो कहते हैं कास्केड करना है. कास्केड कहते हैं डिवाइड करने को, तोड़ देने को. आपने अपने फिर ऑब्जेक्टिव्स को, कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिस्कस किया था ना, ऑब्जेक्टिव्स तीन लेवल पे होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे होते हैं, स्ट्रेटेजिक या टेक्टिकल लेवल पे होते हैं, और हमने डिस्कस किया था ऑपरेशनल लेवल पे होते हैं. तो इनको फिर आप कास्केड कर देते हैं एम्प्लॉइज का. कास्केड का मतलब होता है तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना, सेपरेट कर देना. यानी पहले डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव होंगे, फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं हर एक को आप रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव देंगे, पहले बिजनेस यूनिट के, फिर डिपार्टमेंट के, और अल्टीमेटली फिर इंडिविजुअल एम्प्लॉइज की तरफ, टीम एंड एम्प्लॉइज की तरफ. इसे कहते हैं कास्केडिंग का प्रोसेस. तो कास्केडिंग से मुराद है टू ब्रेक डाउन, टू जॉल डाउन. गोल्स. और तीसरा फिर जो इसमें स्टेप है वो है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का. दिस आल्सो हैव बीन इन मच डिबेट दैट ऑब्जेक्टिव एंड गोल मस्ट बी सेट विद पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉइज इन द गोल सेटिंग प्रोसेस. फिर चौथा जो स्टेप है वो कहते हैं कि प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करें इंडिविजुअल्स की और टीम्स की, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स सो दैट देयर अचीवमेंट ऑफ गोल्स कैन बी आइडेंटिफाइड. एंड देन द फिफ्थ स्टेप जो है ये डिटर्मिन करता है रिवॉर्ड सिस्टम को. परफॉर्मेंस तब तक नहीं हासिल हो सकती जब तक के साथ उसके एसोसिएटेड रिवॉर्ड सिस्टम ना मौजूद हो. वो जो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड की डिबेट हुई थी सारी की सारी. यू कैन नेवर इम्प्रूव द पीपल टू पार्टिसिपेट अनटिल देयर इज अ देयर इज एन एडिक्वेट रिवॉर्ड सिस्टम, अनटिल देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑफ हाई इम्पोर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो रिवॉर्ड सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एम्प्लॉइज को स्ट्रेटेजिकली कॉम्पनसेट करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो बड़ा जरूरी है. तो इफेक्टिव रिवॉर्ड जो होते हैं दे आर हाईली इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेटेजिकली कॉम्पनसेट द एम्प्लॉइज अगेंस्ट द वर्क, वट एवर वर्क दे हैव डेमोंस्ट्रेटेड, उन्होंने क्या काम किया है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और उसके अगेंस्ट फिर आप उनके रिवॉर्ड्स को डिटर्मिन करते हैं. क्योंकि हमने ये बात शायद पहले भी हुई थी कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवॉर्ड्स एट टाइम्स डीमोटिवेट भी कर जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम इफेक्टिव नहीं है. रिवॉर्ड्स जो हैं दे माइट बी अ डीमोटिवेटर बिकॉज दे माइट नॉट बी एज इफेक्टिव. तो आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है दैट हैज टू बी वेरी क्लियरली वेरी केयरफुली एंड देन रिपीट द होल साइकिल. इस पूरी साइकिल को फिर आपने रिपीट करना है. ये छः स्टेप्स हैं. पहला स्टेप क्या कहता है, यू कैन यूज द कीवर्ड्स. आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहले स्टेप में जो कीवर्ड है वो है आपकी कंसिस्टेंसी विद मिशन एंड विजन स्टेटमेंट. ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कंसिस्टेंट विद मिशन एंड विजन स्टेटमेंट. देन द सेकेंड इज कास्केडिंग प्रोसेस, कास्केडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव डाउन टू द एम्प्लॉइज. फिर तीसरे स्टेप में है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. फिर चौथे स्टेप में है मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस. पाँचवें स्टेप में है इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम. And then repeating the whole cycle. You have to repeat the whole cycle. तो ये छः steps जो हैं आपके ये MBO के हैं. MBO का जो process है इसके कुछ benefits भी हैं, इसके कुछ drawbacks भी हैं. Both are equally important to understand. MBO का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि MBO से clarity मिल जाती है. Clarity towards your overall task and goals and your objectives. MBO gives you very clear understanding about what your work is and how your work will contribute to the benefit of the whole organization. MBO जो है वो आपको clarity दे देता है कि आपका task क्या है और आपका जो task है वो किस तरह पूरे इदारे के लिए important है. MBO से आपको एक और clarity मिल जाती है what is important and what is not important. What is that which contributes to the overall goal of the organization and what is that does not contribute. दो चीज़ें होती हैं इदारे के अंदर. वेन एवर यू आर वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन आर टू थिंग्स वट एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंगली. कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं होती, कुछ चीज़ें अर्जेंट होती लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होती. वो जो पहले भी डिस्कस किया था इन द वेरी बिगनिंग, जब आप टास्क को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, वैन यू आर प्रायोरिटाइजिंग द टास्क, तो वहाँ पर फिर आप ये डिवीजन एस्टैब्लिश करते हैं ना, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है. तो ये भी आपको MBO से क्लैरिटी मिल जाती है. फिर MBO जो है ये आपको एक क्विक रेफरेंस पॉइंट दे देता है टीम ब्रीफिंग्स का, गोल सेटिंग का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का, फीडबैक का. MBO से आपको ये सारा, क्योंकि MBO के लिए फिर सबसे एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि है एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस ऑफ राइटिंग एवरीथिंग डाउन. MBO को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए
आपको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस जो है वो रिक्वायर्ड होता है, हर चीज़ को आपने पेन डाउन करना होता है। तो उसके लिए फिर आपको रॉबस्ट रॉबस्ट रेफरेंस पॉइंट, रॉबस्ट से क्या मुराद है, क्विक, वेरी हैंडी, इजीली, फ्लेक्सिबल, आपको रॉबस्ट रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है टीम ब्रीफिंग का, गोल सेटिंग का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, सेंस ऑफ पर्पस मिल जाती है एमबीओ से, एमबीओ आल्सो गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस, एमबीओ से आपको एक सेंस ऑफ पर्पस हासिल हो जाती है, आपका पर्पस क्या है इदारे में उसके ऊपर आप। तो ये सम ऑफ द की बेनिफिट्स, नंबर वन क्लैरिटी इन वर्क, नंबर टू डिस्टिंग्विशिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, रॉबस्ट रेफरेंस पॉइंट्स टुवर्ड्स गोल सेटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अप्रेजल, टीम ब्रीफिंग एंड सेंस ऑफ पर्पस फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे इदारे के लिए एक सेंस ऑफ पर्पस जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके डेफिनेटली कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, देर आर वेरियस ड्रॉबैक्स। सबसे इसका जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है, लेंथी प्रोसेस है, इट इज़ वेरी लेंथी एंड अ चैलेंजिंग प्रोसेस। सक्सेसफुली एमबीओ को इम्प्लीमेंट करना आसान काम नहीं है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है, बड़ा कम्बरसम काम है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्लीमेंट एमबीओ। और अक्सर इदारे जो हैं वो इसको बड़ा अननेसेसरली एक्सपेंसिव भी समझते हैं, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंड अ वेरी टायरिंग जॉब। और फिर एमबीओ को इम्प्लीमेंट करने के लिए देर इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जी मैं अभी करता हूँ बेटा, देर इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पूरे इदारे की कमिटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ये लाइक किसी एक डिपार्टमेंट का या किसी एक इंडिविजुअल का जिम्मा नहीं है। एमबीओ को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, तो यू नीड सपोर्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से फिर अक्सर इम्प्लॉज को रजिस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि चेंज का प्रोसेस है ना, तो चेंज को तो लोग हमेशा रजिस्ट करते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है ये कहता है कि मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव सेट द गोल्स ऑफ द एम्प्लॉई विद म्यूचुअल डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन, और आपके पास वो सब कुछ इन राइटिंग मौजूद है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, किसी भी पॉइंट इन टाइम आप उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं अगेंस्ट द रेफरेंस पॉइंट यू हैव सेट, टीम ब्रीफिंग्स में, गोल सेटिंग में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, एमबीओ से आपको, क्योंकि एमबीओ इज़ ऑल अबाउट पुटिंग द थिंग्स डाउन ऑन पेपर ब्लैक एंड वाइट, हर चीज़ को आप फिर लिख के प्लान करके चलते हैं, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से आप गोल सेटिंग करते हैं। एमबीओ इज़ नॉट एन ईजी जॉब, मतलब ये इतना आसान नहीं जितना ये लगता है कि बस आपने लोगों के साथ मिलकर उनके गोल्स को सेट कर लिया, इट्स नॉट दैट ईजी, इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू इम्प्लीमेंट, इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू अप्लाई। सेंस ऑफ पर्पस मिल जाती है इंडिविजुअल्स को एमबीओ के थ्रू, एक सेंस ऑफ पर्पस हासिल हो जाता है, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन अलग से आ चुका है आपके अटेम्प्ट में, और एक इसके ये प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन अपेयर हो चुका है, सो दीज आर टू सेपरेट क्वेश्चन दे विच हैव बीन अपीयर सेपरेटली इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एमबीओ जो है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस एंड टू अंडरस्टैंड। एमबीओ के बाद आती है सेल्फ एफिकेसी, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है मोटिवेशन। सेल्फ एफिकेसी एज द वर्ड इट सेल्फ रिवील, सेल्फ अपने लिए, अपने ऊपर इसका फोकस होता है, इट व्हाट एक्सटेंड यू बिलीव दैट यू हैव ऑल द एबिलिटी टू सक्सीड इन अ सिचुएशन, यू हैव ऑल द एबिलिटीज टू कंप्लीट टास्क एंड टू रीच योर गोल्स। सेल्फ एफिकेसी बेसिकली कहते हैं कि एक इंसान के बिलीफ को जिसकी बेस पे वो ये डिटरमिन करता है कि मैं काम करने का अहल हूँ, या आई हैव कंप्लीट पावर एंड एबिलिटी टू अफेक्ट अ सिचुएशन एंड टू अचीव समथिंग, टू अचीव अ गोल। बेसिकली सेल्फ एफिकेसी एक बिलीफ का नाम है जो एक इंसान पैदा कर लेता है अपने अंदर, एंड दैट बिलीफ गाइड्स हिम दैट ही इज एबल टू अचीव समथिंग। इसीलिए हाई सेल्फ एफिकेसी जो है दैट इज़ गुड एज कम्पेयर टू लो सेल्फ एफिकेसी, कि हाई सेल्फ एफिकेसी के अंदर आपका जब बिलीफ स्ट्रांग होता है तो आप कर गुजरते हैं काम, आप कर जाते हैं, जबकि लो सेल्फ एफिकेसी में चूंकि आपका बिलीफ ही वीक होता है तो फिर आप हिम्मत ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते। हाँ, लेकिन बहुत हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी भी नुकसानदेह होता है, दैट मेक्स यू ओवर कॉन्फिडेंट। इफ यू हैव हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी तो वेरी हाई लेवल इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो वो कहते हैं कि सेल्फ एफिकेसी जो है वो स्लाइटली मॉडरेट से हाई होनी चाहिए। अगर हम एक स्केल बनाएं 1 to 5 की, तो सेल्फ एफिकेसी शुड बी एट 3.5 और 4, इट मस्ट नॉट बी एट 5, इट मस्ट नॉट बी एट 1 और 2, ठीक है। अगर 3 एवरेज है 1 to 5 की स्केल पे,
तो सेल्फ एफिकेसी 3.5 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, बस इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरना अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी काबिलियत पे यकीन करना शुरू कर देंगे, सो दैट वुड बी अ नेगेटिव ट्रेट, ये फिर नेगेटिव ट्रेट बन जाता है, विच कैन लीड टूवर्ड्स डिजास्टर ऑब्वियसली। तो बेसिकली सेल्फ एफिकेसी आपका ये बिलीव डिफाइन करती है कि आपके पास कितनी पावर या कितनी एबिलिटी है किसी सिचुएशन को अफेक्ट करने के लिए, और हाउ स्ट्रांगली यू कैन इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर सिचुएशन कॉम्पिटेंटली, एंड टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन अफेक्ट द चॉइसेस यू आर मेकिंग। आप अपनी चॉइसेस को कैसे खुद डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जिस इंसान में सेल्फ एफिकेसी हाई होगी ना, वो हमेशा फेलियर का ब्लेम खुद को देगा कि मेरी गलती थी या मैंने सही मेहनत नहीं की, और जिस इंसान में सेल्फ एफिकेसी लो होगी वो हमेशा ब्लेम करेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स को, किस्मत को यही मंजूर था, अल्लाह को यही मंजूर था। तो सेल्फ एफिकेसी जो है वो हाई होगी तो फिर आप थोड़े से क्रिटिकल होंगे अपनी एबिलिटीज के ऊपर, एंड यू विल फिगर आउट दैट व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या था प्रॉब्लम, कहाँ थी कॉम्पिटेंस में क्या इशू था, ठीक है। सो पीपल विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी आर दोज हु बिलीव दैट दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेल, विच मीन्स दैट दे आर मोर लाइकली टू व्यू चैलेंज एज समथिंग टू बी मास्टर्ड रादर देन अवॉइडेड। इसीलिए हाई सेल्फ एफिकेसी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हाई सेल्फ एफिकेसी में आप चैलेंजिंग सिचुएशन को मास्टर करने की कोशिश करते हैं अवॉइड करने के बजाय, यू ट्राई टू मास्टर दैट सिचुएशन रादर देन अवॉइडिंग इट। सो इफ यू हैव वेरी हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी दैट वुड बी अ पॉजिटिव थिंग, हाई लेवल, नॉट वेरी हाई लेवल, हाई लेवल। सेल्फ एफिकेसी जो है इट प्रूव्स टू बी इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट वेज। सेल्फ एफिकेसी चार वेज में इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी, हाई या मीडियम या लो, ये डिफरेंट वेज में इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन, पीपल विद हाई सेल्फ एफिकेसी आर मोर लाइकली टू मेक एफर्ट टू कम्प्लीट अ टास्क एंड दे आर परसिस्टेंट से मुराद है साबित कदम रहते हैं विद दोज एफर्ट्स देन पीपल विद लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी। ये तो बड़ा क्लियर है कि अगर सेल्फ एफिकेसी हाई होगी तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, अगर सेल्फ एफिकेसी लो होगी तो आप मेहनत कम करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वेरी हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट इन द पीपल बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। मैनिफेस्ट से मुराद है जाहिर होना, तो अगर बहुत हाई लेवल होगा सेल्फ एफिकेसी का, सो दैट माइट मेक अ पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट, लेस थॉरो, मेहनत कम करेगा, तैयारी कम करेगा, लेस वेल प्रिपेयर्ड कंपेयर्ड विद समवन विद लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी। लो सेल्फ एफिकेसी वाला जो है वो हाईली कॉन्शियस तो होगा, बहुत ज़्यादा तैयारी करेगा, लेकिन उतना अच्छा डूअर नहीं होगा, इम्प्लीमेंटर नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन में आके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो मोटिवेशन डिफरेंट होती है इन लोगों की, इसी तरह बिहेवियरल चॉइसेस भी वेरी करती हैं इन लोगों की। जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई होती है उसके अंदर आपका जो टास्क है वो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं एज अ चैलेंज, और जिनमें लो होती है वो अवॉइड करते हैं। हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी पीपल लीड टू द टास्क बीइंग अंडरटेकन, वो काम को चैलेंज के तौर पे लेते हैं, और लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी वाले जो लोग हैं वो काम को अवॉइड करते हैं। हालांकि इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट इशू है फिर थोड़ा सा, जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई होती है वो काम को इतना आसान समझ लेते हैं जितना आसान होता नहीं है, and that leads to poor execution of task, ultimately failure. और जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी बहुत लो होती है वो काम को इतना मुश्किल समझ लेते हैं जितना होता नहीं। दोनों केसेस गलत है ना। इफ यू थिंक ऑफ अ टास्क ऑफ हाईली इम्पॉर्टेंट तो वो इतना ईजी है नहीं जितना उसे आपने समझ लिया, या वो इतना मुश्किल है नहीं जितना उसे आपने समझ लिया। वो स्टोरी पढ़ी थी ना आपने, वो हेयर एंड टॉर्टोइज वाली, उसमें टॉर्टोइज जो हेयर था ही बिकेम विक्टिम ऑफ हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, रिमेंबर दैट। वो जो हेयर था उसके अंदर वो विक्टिम बन गया हाई सेल्फ एफिकेसी का। द हेयर बिकेम द विक्टिम ऑफ हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, कि वो इतना आसान था नहीं काम जितना उसने आसान उसको समझ लिया, अल्टीमेटली ही फेस द फेलियर। तो दोनों एक्सट्रीम गलत हैं। जब आप एक आसान काम को बहुत मुश्किल समझ लेते हैं, इट मीन्स कि आपकी सेल्फ एफिकेसी लो है, और जब आप एक थोड़े से डिफिकल्ट टास्क को उतना ही आसान समझ लेते हैं, तो इट मीन्स कि आपकी सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई है। तो बोथ आर
नॉट गुड, ठीक है। कि ऑप्टिमल लेवल जो होता है सेल्फ एफिकेसी का, दैट इज स्लाइटली अबव योर एबिलिटी। जितनी आपकी काबिलियत है या जितनी आपकी अहलियत है उससे थोड़ा सा ऊपर आप में होनी चाहिए सेल्फ एफिकेसी, ताकि आप सेंसिटिव भी रहें, कॉन्शियस भी रहें और आप काम को सक्सेसफुली अचीव भी करें। If you have very high level of self-efficacy, that would lead to a disaster. Ultimately, if you have very low level of self-efficacy, that would also be a disaster. So, दोनों cases में इनको आपने थोड़ा सा importance देनी। And then next, the point where self-efficacy affect you people are your thought process and your responses. ऐसे भी example दी। जिन लोगों में self-efficacy high होती है वो फेलियर जो है वो एट्रीब्यूट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर इतना बिलीव होता है कि नहीं हम तो गलत नहीं हो सकते, सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स। हाँ पहले मैं इसको उलट बोल गया था, यस एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं, रीजन बीइंग बिकॉज दे बिलीव दैट दे कांट बी रॉन्ग, दे बिलीव दैट दे कैन नेवर बी रॉन्ग। और जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी बहुत लो होती है, दे ब्लेम देमसेल्फ, वो अपने आप को मूर्द इल्जाम ठहराते हैं, वो अपने आप को कोसते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी वाले व्हेन दे बिलीव दैट दे आर परफेक्ट, इट मींस कि उनको फिर कोई रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलता नहीं है, वो दोबारा भी गलती करते हैं। और जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी लो होती है वो अपने आप को इतना डिस्करेज करते हैं कि वो दोबारा मेहनत नहीं करना चाहते, तो दोनों केसेस गलत है। हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी भी गलत है, वेरी हाई लेवल, और वेरी लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी भी एक्सट्रीम है, गलत है। सेल्फ एफिकेसी हैज टू बी समवेयर इन बिटवीन, कहीं दरमियान में होनी चाहिए। इसी तरह जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो बैरियर्स को और ऑब्स्टिकल से स्टिमुलेट होते हैं, उनको से चैलेंज्ड होते हैं, ऐसे चैलेंज लेते हैं। और जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी लो होती है वो डिस्करेज हो जाते हैं, दे गेट डिस्करेज, ठीक है, उनकी डिस्करेजमेंट जब बढ़ जाती है। जिन एम्प्लॉयज में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है दे लुक एट द बिगर पिक्चर, दे एम्ब्रेस द बिगर पिक्चर। और जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी लो होती है वो लिमिट कर लेते हैं अपनी थिंकिंग को और अपने फोकस को। ये सारे आपके थॉट प्रोसेसेस और बिहेवियरल पैटर्न्स की बात हो रही है, थॉट पैटर्न्स की बात हो रही है। पहला थॉट पैटर्न क्या है, फोकसिंग ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर सक्सेस और फेलियर। हाई सेल्फ एफिकेसी इंडिविजुअल विल फोकस मोर ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड लो सेल्फ एफिकेसी इंडिविजुअल विल फोकस मोर ऑन इंटरनल फैक्टर्स। अ पर्सन विद हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी विल टेक बैरियर एंड ऑब्स्टिकल एज अ स्टिमुलेटर, उससे वो स्टिमुलेट होगा और जो दूसरा है वो उससे डिस्करेज होगा, दैट वुड बी डिस्करेज, ठीक। हाई सेल्फ एफिकेसी वाला जो इंडिविजुअल है वो ब्रॉडर पिक्चर देखेगा, बिगर पिक्चर देखेगा, ही विल एम्ब्रेस द बिगर पिक्चर। और जो लो सेल्फ एफिकेसी वाला इंडिविजुअल है ही विल ओनली फोकस ऑन the limited thought. Low self-efficacy employee tend to think that the tasks are harder than they actually are. ये अभी जैसे बात की ऊपर, इतना मुश्किल है नहीं काम जितना मुश्किल समझ लिया, जितना आसान नहीं है जितना आसान समझ लिया। दोनों केसेस में प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। सो इफ यू विल टेक द टास्क वेरी डिफिकल्ट इवन दो इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, तब भी प्रॉब्लम खत्म होगी। और इफ यू टेक अ टास्क सो ईजी इवन दो इट इज नॉट ईजी एट ऑल, तब भी प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो जाएगी। ये हमने एग्जैक्टली यहाँ पे इसको डिस्कस किया था बिहेवियरल चॉइसेस के अंदर, कि हाई सेल्फ एफिकेसी वाला जो है वो अपनी एबिलिटी से बाहर सोचता है ना, उसे लगता है कि काम बहुत आसान है, सो ही थिंक्स ऑफ अ टास्क बियॉन्ड हिज एबिलिटी, ठीक है, और एग्जीक्यूट पुअरली होता है। ये सेम इसी पॉइंट को आगे हमने थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पे, कि वो जितना काम आप आसान समझेंगे उतना आपके लिए उसके अंदर दुश्वारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें आप प्लानिंग प्रॉपर नहीं करेंगे समझेंगे, ये तो उतना मुश्किल नहीं है, आपके उस काम की एग्जीक्यूशन खराब हो जाएगी, आप उसे अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। इसी तरह सेल्फ एफिकेसी का एक और इम्पैक्ट आता है आपकी एकेडमिक आउटपुट के ऊपर। जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है दे आर बेटर एकेडमिक परफॉर्मर्स एज कम्पेयर टू दोज हु हैव लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी। हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल जो हैं उनके अंदर एकेडमिकली परफॉर्म करने के चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि वो प्रोएक्टिव होते हैं, दे ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, दे पार्टिसिपेट एक्टिवली, दे एंजॉय हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। इसलिए ओवरऑल अगर इन सारे पॉइंट्स का खुलासा निकाला जाए तो इट इज़ बिलीव
that high self efficacy is slightly better than the low self efficacy. इन सारे पॉइंट्स का खुलासा यही निकलता कि हाई सेल्फ एफिकेसी जो होती है ये बेहतर होती है लो सेल्फ एफिकेसी के निस्बत. हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, बल्कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का. डिफाइन द टर्म सेल्फ एफिकेसी एंड देन एनी 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी. कोई से 4 एट्रीब्यूट्स बताने थे उसके जिसमें सेल्फ एफिकेसी स्ट्रॉन्ग होती है. तो यहीं से एट्रीब्यूट्स निकलने थे. पहला एट्रीब्यूट हाईली मोटिवेटेड, दूसरा एट्रीब्यूट थॉट प्रोसेस के ऊपर, ये तीसरा बैरियर्स, बल्कि यही 4 अगर आप बता देते तो दिस वुड हैव सर्व द पर्पस. ठीक है, हाई सेल्फ एफिकेसी वाले के एट्रीब्यूट सिर्फ पूछे हुए, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी, दैट्स इट. तो 4 मार्क्स ये थे और 1 मार्क इसका. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. ये तो अभी रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन आया है. ओके, इसके बाद है लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रीइंफोर्समेंट. है लॉ ऑफ इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर रीइंफोर्समेंट को इंशाल्लाह हम लोग कल रिव्यू करेंगे. लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ये बड़ा मजे का एक कॉन्सेप्ट है, और ये जो हमने वो पढ़ी थी थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, उसी के ऊपर बेस करता है. इसलिए एक फेवरेबल आफ्टर इफेक्ट जो है वो स्ट्रेंथन कर देता है उस एक्शन को जिससे वो प्रोड्यूस होता है. अर्ली 20th सेंचुरी में साइंसदानों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए स्टिमुलस और रिस्पांस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या स्टिमुलस दें तो क्या रिस्पांस आता है, और क्या अगर फेवरेबल स्टिमुलाई दें तो क्या वो रिस्पांस रिपीट होता है. If they give favorable stimuli, तो क्या जो रिस्पॉन्स है वो रिपीट होता है कि नहीं होता. बट जस्ट स्पेयर मी अ मोमेंट, एक मिनट. जी, लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई ऐसा एक्शन जो आपके लिए, ऐसा कोई स्टिमुलाय जो आपके लिए फेवरेबल है, वो एक सर्टन रिस्पांस को प्रोड्यूस करता है, तो व्हेनेवर दैट स्टिमुलाय विल बी रिपीटेड सेम रिस्पांस विल बी जनरेटेड. इसमें इन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कि एक कैट इन द बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट था कि एक बिल्ली को एक डब्बे में बंद कर दिया, उस डब्बे के अंदर एक लिवर है और वो लिवर को प्रेस करने से वो डब्बा जो है वो खुल जाता है एक साइड से और बिल्ली को एग्जिट मिल जाता है. लेकिन वो लिवर जो है वो उसने खुद ढूंढना है, कैट ने उसको उन्होंने हिडन रखा हुआ. अच्छा, बिल्ली ने बड़ी कोशिश की डब्बे से बाहर निकलने की, और कोशिश करते करते उसका एकदम उसका जो पंजा है वो लिवर पे पड़ा और दरवाजा खुल गया और बिल्ली बाहर निकल गई. जब दोबारा उन्होंने बिल्ली को बंद किया डब्बे में, तो बिल्ली द कैट डिड नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट, शी अप्रोच्ड द लिवर, प्रेस्ड इट एंड एग्जिट द बॉक्स. अब इसमें क्या हो रहा है, जो आउटकम है वो है फेवरेबल. आउटकम जो है जिसे आफ्टर इफेक्ट कहते हैं. आफ्टर इफेक्ट क्या है, डब्बे का खुलना, और एक्शन क्या है, लिवर को प्रेस करना. तो एक फेवरेबल आफ्टर इफेक्ट जो है वो उस एक्शन को स्ट्रेंथन कर देता है जिससे वो प्रोड्यूस हुआ.
यानी अब जब भी आप बिल्ली को डब्बे में बंद करेंगे तो वो फौरन उस लीवर को जाके प्रेस करेगी और बाहर निकल जाएगी। अच्छा, फिर उन्होंने अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अब उन्होंने डब्बा वही रखा, लीवर भी वही रखा, लेकिन अब लीवर को प्रेस करने से करंट पड़ता था, डब्बा नहीं खुलता था। इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड इट वाज कि दे केप्ट द सेम बॉक्स, दे केप्ट द सेम लीवर, लेकिन अब उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म कर दिया कि अब जब लीवर पे पाँव रखेगी बिल्ली तो करंट पड़ेगा, डब्बा नहीं खुलेगा। तो जब बिल्ली को बंद किया डब्बे के अंदर, एंड व्हेन द कैट वेंट फॉर द लीवर, तो शी वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड, उसको लगा करंट झटका, तो वो दुबक के कोने में बैठ गई। अब जब उसको चौथी दफ़ा उसको फिर बॉक्स में बंद किया तो नाउ शी डिडंट ट्राई टू अप्रोच द लीवर, क्योंकि अब क्या हुआ, अब एक अनफेवरेबल आफ्टर इफेक्ट पैदा हुआ, तो उसने उस एक्शन को वीक कर दिया जिससे वो प्रोड्यूस हुआ। इट हैज वीकेंड द एक्शन दैट प्रोड्यूस्ड इट, ये इसका कन्वर्स है। ठीक, इट मीन्स के वो रिस्पॉन्सेज जो क्लोजली सेटिस्फेक्शन को फॉलो करते हैं वो हम फर्मली अटैच कर देते हैं सिचुएशन के साथ, एंड दे आर मोर लाइकली टू रीअकर व्हेन द सिचुएशन इज रिपीटेड। प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल क्या बनती है कि सेल्स टारगेट सी है, और जैसे एम्प्लॉय ने हाईएस्ट टारगेट मीट किए, उसको अप्रिशिएट किया गया, उसको कैश अवार्ड दिया गया, अब वो दोबारा चाहेगा कि उसको अप्रिशिएट किया जाए और कैश अवार्ड दिया जाए, तो दोबारा फिर मेहनत करेगा, तो अगले साल वो फिर एफर्ट करेगा, क्योंकि अब एक आफ्टर इफेक्ट जो है वो बड़ा फेवरेबल है, आफ्टर इफेक्ट जो है दैट इज वेरी फेवरेबल। ठीक है, इसे कहते हैं, इसी तरह कोई सिचुएशन जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे आपके लिए, वो सिचुएशन, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई ऑफिस में लेट आता है तो उसे आप डांटते हैं, सो जस्ट बिकॉज के वो डांट ना पड़े उसको, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है, वो टाइम पे आएगा तो वो अपना एक्शन चेंज कर लेगा, वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो चेंज कर लेगा, अपने उस बिहेवियर को वीक कर लेगा जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट पैदा होती है। लेट आना डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, तो यू विल स्टॉप बींग लेट, ये है लॉ ऑफ इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को लिंक करता है आपस में, इट ट्राइज टू कनेक्ट स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, कि कौन से स्टिमुलाई से कौन सा रिस्पॉन्स पैदा होता है, और वो रिस्पॉन्सेज के फिर किस तरह से काम करते हैं, दैट इज हाउ द लॉ ऑफ इफेक्ट वर्क्स। ठीक है, इसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। तो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स में है, दे आर हाईली एसोसिएटेड। तो उन्होंने कहा जी कि जब रिस्पॉन्स, ये एग्जाम्पल देते हैं, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व कैट लर्निंग टू प्रेस अ लीवर टू एग्जिट द बॉक्स। अ मोर अप टू डेट एग्जाम्पल क्या है जी, ड्रग एडिक्शन की, फॉर एग्जाम्पल जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये भी देखें ना, प्लेजेंट फीलिंग मिलती है तो वो एक्शन रिपीट करते हैं, एंड दे आर मोर लाइकली टू रिपीट द बिहेवियर। व्हेन दे गेट द प्लेजेंट फीलिंग दे आर मोर लाइकली टू रिपीट दैट बिहेवियर, उनको वो उनको मजा आता है ना उस ड्रग को जो है वो अपना इनटेक करके, ठीक है ना, तो वो फिर उसको रिपीट करते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है, इट बिकम्स अ फाउंडेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इट बिकम्स अ फाउंडेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये बुनियाद बनती है रीइंफोर्समेंट की, क्योंकि रीइंफोर्स करने का मतलब है आपने किसी भी बिहेवियर को आपने इन्फोर्स करना है, आपने उसको रिपीट करवाना है। अगर मैं चाहता हूँ कि लेट सपोज स्टूडेंट टाइम पे आए क्लास में, तो आई विल ट्राई टू अप्रिशिएट हिम, तो रीइंफोर्समेंट होगी। अच्छा, रीइंफोर्समेंट दो किस्म की होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, इस पर आगे जाके बात करेंगे। इसमें से अभी तक की डिबेट में कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सो फार, अभी तक की डिस्कशन में से कोई क्वेश्चन हो माइंड में, प्लीज डू आस्क। एनीवन? वेरी गुड। सिक्स चैप्टर का टेस्ट किस किसने दिया था? गुड, ओके, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं दिया वो आपके एलएमएस पे अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड करके दे दें, ठीक, एंड मेक श्योर कि आप इसे आज की डेट में सबमिट करवा दें उसको, नुमान को। नेक्स्ट पार्ट का इस वीकेंड पे थर्सडे को अपलोड होगा जी, पार्ट बी, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का इस वीकेंड पे
अपलोड हो जाए। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन? पीछे से कोई कंसर्न? इसी में एक दफा इसको देख लें शुरू से। एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है आपका मोटिवेशन वाला, इसमें काफ़ी सारी थियरीज हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको शुरू से रिवाइज करते रहें, साथ साथ देखते रहें। तो किसी भी थियरी में या किसी भी टॉपिक में कोई भी दुश्वारी, कोई भी इशू है, तो आप मुझसे उसी वक्त उसको डिस्कस कर लिया करें। तो अगर मैं इसका एक दफ़ा क्विक आपको ओवरव्यू दे दूँ शुरू से अब तक, तो अभी तक हमने इसमें मेनली चार थियरीज को रिव्यू किया है, कॉन्टेंट एंड प्रोसेस। कॉन्टेंट थियरीज जो है इसके अंदर वो तीन है, और प्रोसेस थ्योरी अभी तक हमने इसमें सिर्फ एक पढ़ी है। और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आजकल इन दोनों को बेस्ट पॉसिबली यूज़ भी कर रही हैं इसको, ताकि वो इसमें से अपना कंटेंट थ्योरीज में हायरार्की ऑफ नीड है, मैस्लो की हर्ज़बर्ग है, टू फैक्टर एंड देन मैक्लेलन है, देन प्रोसेस में सिर्फ विक्टर विक्टर रूम है। दीज आर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने इसमें रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन को रिव्यू किया था। We talked about that what are the reward systems and how the reward systems motivate individuals. مختلف قسم کے ریوارڈس دیکھے تھے ہم نے، ایکسٹرنسک ریوارڈ، انٹرنسک ریوارڈس، واٹ مینیجرس کین ڈو ٹو موٹیویٹ دیئر اسٹاف، ریوارڈ سسٹم انڈیویجول لیول پرفارمنس ریلیٹڈ پے فار انڈیویجولس، فار گروپس اینڈ فار دا کمپنی وائڈ بونسز دیکھے تھے، پھر فیڈ بیک ڈسکس کیا تھا۔ آپ کی اٹمپٹ کے لیے یہ والا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے کوشچن آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پیپر میں۔ واٹ مینیجرس کین ڈو ٹو موٹیویٹ دیئر اسٹاف، مینیجرس کیا کرتے ہیں اسٹاف کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اسٹاف کے لیے ان کی جو اوور آل، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ساری کی ساری تھیریز آف موٹیویشن کو مینیجرس کنورج کر دیتے ہیں، دے برنگ دیم ٹوگیدر، دے برنگ آل تھیریز آف موٹیویشن ٹوگیدر، یہ ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پھر اس میں پرفارمنس ریلیٹڈ پیس دیکھی تھی انڈیویجولس کے لیے، گروپس کے لیے، اور کمپنی وائڈ بونسز کو ریویو کیا تھا ہم نے۔ اینڈ دین وی ڈسکسڈ بونسز اینڈ پرفارمنس، پرفارمنس میں اور بونسز میں کیا کنیکشن ہے، تو بھی ڈسکسڈ کہ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک پرفارمنس جو ہے وہ آپ کی میئربل ہونی چاہیے، اور دوسرا انڈیویجول شوڈ بلیو کہ وہ سیلف، یعنی یہ وہ کانسیپٹ ہے آپ کا ایکسپیکٹنسی کا، کہ وکٹر روم کی تھیری والا جو فینومینا تھا نا ایکسپیکٹنسی کا، وہ ہونا چاہیے کہ انڈیویجول شوڈ بلیو کہ وہ اگر محنت کرے تو پرفارمنس بڑھ سکتی ہے، وہ اپنی پرفارمنس کو افیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ So that is something which is an important phenomena. پھر ہم نے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک اور موٹیویشن کو ریویو کیا تھا، کنسٹرکٹیو فیڈ بیک اور موٹیویشن میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں۔ اینڈ ٹوڈے تھرسڈے کو ہم نے گول سیٹنگ پروسیس ڈسکس کیا تھا، ہائرارکی آف گول سیٹنگ۔ وی ٹاکڈ اباؤٹ دیز بیسک فور کوشچنز آف مشن اسٹیٹمنٹ، ریلیونس آف مشن کو ڈسکس کیا تھا، پرپز کیا ہوتا ہے مشن کا، گولز آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی ہم نے ایگزامپلس کے ساتھ ان کی ہم نے ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا، کارپوریٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر آپ کے پاس آپریشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اسمارٹ ہوتے ہیں، اور گولز جو ہیں وہ آپ کے نریٹو ہوتے ہیں، گولز ہم نریٹ کرتے ہیں، آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ کے اسمارٹ ہوتے ہیں، یہ ڈسکس کیا تھا۔ پھر کون ڈیسائڈ کرتا ہے مشن، گول، آبجیکٹیوز کو، یہ ڈسکس کیا تھا ہم نے۔ Who decides mission, vision, goal, objective? یہ آج ڈسکس کیا ہم نے، یہ ہم نے شاید بات پہلے ہی کی تھی، آج ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کیا، بلکہ یہ بھی ہم نے شاید لاسٹ ویک ہی پڑھا تھا ایگزیکٹلی۔ ہاں، گول سیٹنگ تھیری ہم نے پوری لاسٹ ویک پڑھی تھی، گول سیٹنگ تھیری ہم نے پوری کی پوری لاسٹ ویک ڈسکس کی تھی، ایسا ہی ہے نا، آئی گیس گول سیٹنگ تھیری ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کی تھی پوری۔ بالکل، آج ہم نے ایم بی او سے اسٹارٹ کیا تھا۔ ایم بی او کیا ہوتا ہے، ایم بی او کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کے بینیفٹس، اس کے ڈرا بیکس، اس کے چھ اسٹیپس، اینڈ دین وی ڈسکس سیلف ایفیکیسی۔ تو آج کی ڈیبیٹ کو میرا خیال ہے یہیں تک رکھتے ہیں۔ میں ویسے ری انفورسمنٹ ایکچولی میں اسٹارٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ ہاں ہاں، پلیز پلیز ضرور پوچھا کریں، بلکہ پچھلے چیپٹر سے جو کوشچن ہو پوچھا کریں۔ جی بیٹا، پلیز آسک، پوچھو۔
हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. देखो कि डिसीजन मेकिंग पे बात हो रही होगी, नंबर वन स्ट्रेटेजी डिसीजन पे बात हो रही होगी नंबर वन, और नंबर टू उस डिसीजन मेकिंग के अंदर, हाँ जी मैं बता रहा हूँ आपको, उस डिसीजन मेकिंग के अंदर आपका जो डिसीजन वो किसी और पर डिपेंड कर रहा होगा. बस ये दो चीजें ढूंढनी है आपने. किसी भी सिचुएशन में आपने ये दो चीजें ढूंढनी है कि क्या वो सिचुएशन किसी डिसीजन के ऊपर बात कर रही है. इज एनी डिसीजन बींग डिस्कस्ड इन दैट सिचुएशन, नंबर वन, एंड नंबर टू क्या वो डिसीजन किसी और पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, ये दो चीजें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जैसे चले अभी ये रिसेंटली मतलब गेम थ्योरी के ऊपर, आई गेस मार्च में शायद सितंबर में आया था मेरा ख्याल है क्वेश्चन, गेम थ्योरी थी सितंबर के अंदर, 3 3 नंबर के थे ना ये, इसमें कहीं गेम थ्योरी है इन दोनों में. ये तो है ना नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है. फॉर दिस पर्पस द मैनेजमेंट ऑफ आरएल इज कंसिडरिंग वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शंस. अच्छा, रिकमेंडेड सॉल्यूशन देखा है आपने, उसमें इसका क्या आंसर लिखा हुआ है 8 के B का. हाँ, अब ये सिमुलेशन क्यों है ये देखो ना, ये सिमुलेशन इसलिए है, मैं बताता हूँ. ये गेम देखें, इसके अंदर आपका डिसीजन किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा, आप अपनी वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शन को सिमुलेट करके देख रहे हैं कि कौन सी बेस्ट है. ठीक है, आइडियली इसके अंदर सिमुलेशन ही आनी चाहिए. ये गेम थ्योरी सिर्फ तब होती है इस केस में, देखो यहाँ पे ना वुड रिक्वायर इन्वेस्टमेंट एट वेरियस स्टेजेस. अगर यहाँ पे कहीं एक स्टेटमेंट दी जाती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी और के डिसीजन पे डिपेंड कर रही है, योर इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स डिसीजन, फिर ये गेम थ्योरी बन जाती है. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त कंसिडरिंग, यू आर कंसिडरिंग, योर डिसीजन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वन, यू आर कंसिडरिंग वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शन. इट मीन्स कि आप सिमुलेट कर रहे हैं कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं बेस्ट है, आप सिमुलेशन के थ्रू से डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट वाज सिमुलेशन एंड नॉट गेम थ्योरी. चलें, गुड लक. ओके जी, तो कल इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं. कल इंशाल्लाह अगली वीडियो भी चलेगी सेकंड चैप्टर की, आपके पेस्ट एनालिसिस की और पेस्टल की और आगे. तो कल की क्लास में सारे आइएगा इंशाल्लाह, पहला हम एक वीडियो भी प्ले करेंगे, ठीक है, एनिमेटेड वीडियो. चलें, कल मिलते हैं फिर, है. ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.